साथियों, अभी जब मैं यहां आ रहा था तो मीडिया में एक खबर चल रही थी और यह गंभीर बात है। कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा, इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? कुछ दिन पहले उनके एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने ऐसी बदतमीजी की थी, भारत को गाली देने की खुली घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय में चुप बैठे हैं और दिल्ली में मीडिया भी एक दिन के बाद विषय को भूल गया। आज उन्होंने दूसरी हरकत की है, उन्होंने कहा है कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। मैं इन महागठबंधन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूं, बंगाल की दीदी बहुत चिल्लाती हैं, आप जरा जवाब दीजिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथी हैं क्या? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। यहां पड़ोस में आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू बैठे हैं, ये यूटन बाबू अभी दो दिन पहले वो बड़ा स्पेशल गमछा लगा करके फारूक अब्दुल्ला के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जरा यूटन बाबू बताइए, और आंध्र की जनता भी चौंक जाइए, चेत जाइए, ये चंद्रबाबू है जिसके बगल में फारूक अब्दुल्ला वोट मांगने के लिए निकले हैं और जिनका बेटा कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होने की मांग कर रहा है, क्या चंद्रबाबू को वोट मिलना चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान शरद पवार जी को, आप तो कभी देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, आप कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बताइए क्या आप हिंदुस्तान को सुई को पीछे ले जाने के लिए तैयार है? 1953 के पहले उसी तरह आप कश्मीर में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके इन साथी दलों के रवैये से सहमत है क्या? साफ कीजिए। मैं श्रीमान एचडी देवगौड़ा जी से भी पूछना चाहता हूं, देवगौड़ा जी आप देश के प्रधानमंत्री रह चुके हो, आपका बेटा मुख्यमंत्री है, आपके परिवार के सारे लोग
इस लोकतंत्र में वोट की राजनीति का मजा ले रहे हैं। जरा जवाब दीजिए देवगौड़ा जी, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपका साथी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस टंकी की चोट पर एक कहने की हिम्मत करता है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। देवगौड़ा जी, कर्नाटक की जनता को जवाब दीजिए, क्या आप ये प्रधानमंत्री होने की सपने देखने की बात को ऐसे लोगों के साथ चलना चाहते हो या नाता तोड़ने को तैयार हो? साथियों, देश को बांटने की इसी मानसिकता ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मत भूलिए, दो तीन दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता आतंक सरपरस्तों के लिए, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस बयान के बाद कांग्रेस के सारे बड़े नेता चुप्पी साध करके बैठ गए थे। कांग्रेस की यही मानसिकता है जो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करती है। इसी मानसिकता की वजह से ये लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। इसी मानसिकता की वजह से ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सेना के पराक्रम का अपमान करते हैं। यही मानसिकता है जो उन्हें डोकलाम विवाद के समय चीनी राजदूत से मिलने के लिए जाने की प्रेरणा देती है। इसी मानसिकता की वजह से ये सेना को गाली देते हैं, सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये लोग क्लिक करके रखे, जब तक मोदी है आपकी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देगा। मोदी देश के दुश्मनों और देश के लोगों के बीच दीवार बनकर के खड़ा रहेगा, ये लिख करके रखिए। और ये जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी समझ लें, ये पीडीपी वाले भी समझ लें, भाइयों बहनों, ये कश्मीर में ये दो चार परिवारों की दुकानें हैं, वो पिछले 40 साल से दिल्ली को मुरख बनाते रहे हैं और दिल्ली भी उनकी बातों में आ जाता है। इनका धरती पर कुछ नहीं बचा है। आपको पता होगा, वहां गवर्नर रूल लगने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध था, पीडीपी का विरोध था। ये दोनों कद्दावर परिवार भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था, कांग्रेस भी मिल गई थी। इन्होंने ऐलान कर दिया था कि पंचायतों के चुनाव नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे, और ये सोचते थे कि कश्मीर की जनता उनकी बात मान लेगी, मेरे देशवासियों अच्छी होगी कि अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, कांग्रेस के लोग ऊपर से नीचे टपक पड़ते रहे, कूदते रहे, चिल्लाते रहे। पंचायत के चुनाव हुए, 70-75% वोटिंग हुआ और 30,000 से ज्यादा लोग चुन करके आज वहां पंचायतों में कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया। जो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए निकले थे, उनका बहिष्कार कश्मीर की जनता ने कर दिया था। जिनका धरती पर कुछ नहीं बचा है, वो कांग्रेस के लोगों के कुर्ते पकड़ पकड़ करके देश को धमका रहे हैं।
अब जमाना चला गया, कांग्रेस नहीं है, मोदी है। जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, वहां के नागरिकों के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार, लेकिन इन ठेकेदारों को अब सहने के लिए तैयार नहीं है।